नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव। खबर की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी आला कमान पर दबाव बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर उस वक्त की, कल दिल्ली में होगी 33 सदस्यीय कमेटी की बैठक। बड़ी खबर उस वक्त की, जहां पर हुड्डा ने राजनीतिक भविष्य का फैसला कमेटी पर छोड़ा है। तो बड़ी खबर उस वक्त की, जहां पर हुड्डा कमेटी के कहने पर आगे का फैसला लेंगे। तो बड़ी खबर उस वक्त की, जहां पर रोहतक में परिवर्तन रैली कर हुड्डा ने शक्ति पाते की लगातार आलाकमान पर दबाव बनाया जा रहा था। परिवर्तन रैली से हुड्डा के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें भी कहीं ना कहीं से सामने आई थी, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी आलाकमान पर अपर से दबाव बढ़ाने का फैसला लिया है। कल दिल्ली में 33 सदस्यीय कमेटी की बैठक की जाएगी। बड़ी खबर उस वक्त की, कल दिल्ली में 33 सदस्यीय कमेटी की बैठक की जाएगी। हुड्डा ने राजनीतिक फैसला जो है इस बैठक पर छोड़ दिया है। बड़ी खबर उस वक्त की, तो आपको बता दें कि रोहतक में परिवर्तन रैली कर हुड्डा ने शक्ति प्रदर्शन किया था, परिवर्तन रैली की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकता है अलग राह अपना ले। लेकिन लगातार पार्टी के अब बड़े आलाकमान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दबाव बनाने की कोशिश करते रहे और 33 सदस्यीय बैठक अब की जाएगी कल दिल्ली में। तो हुड्डा के राजनीतिक भविष्य का फैसला कमेटी पर छोड़ दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। बड़ी खबर उस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि परिवर्तन रैली के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं से शक्ति प्रदर्शन किया था और जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकता है अलग राह अपना ले। हमारे साथ उस पूरी खबर पर तमाम अपडेट के लिए स्पर्श जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास उस पूरी खबर को लेकर? देखिए, बताना चाहेंगे कि हरियाणा कांग्रेस, विशेष तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात की जाए तो एक बार फिर से सक्रिय जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट इस वक्त नजर आ रहा है। कल दिल्ली में 33 सदस्य कमेटी की बैठक जो कि रोहतक रैली के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बनाई गई थी, उस समिति की जो बैठक है वो दिल्ली में होने वाली है। काफी अहम बैठक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भविष्य को लेकर ये होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इस बैठक, इस सदस्य का जो कमेटी है इसका गठन किया गया था और पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ये कहा था यह कमेटी एक सप्ताह के अंदर जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय जो है मुझे मंजूर होगा। क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले काफी दिनों से कहीं ना कहीं केंद्रीय आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको लेकर ये बैठक जो है काफी अहम हो जाती है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जो है केंद्रीय आलाकमान पर लगातार हुड्डा गुट की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी ये खबरें चलाई जाती है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस है उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से ये बैठक होने वाली है काफी अहम बैठक होगी। निर्णय किस प्रकार के इस बैठक के बाद लिए जाते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय आलाकमान लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को इस तरीके से कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों याद होगा कि जो प्रभारी हरियाणा के गुलाम नबी आजाद, उनकी बैठक हुई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस बैठक में जो है सोनिया गांधी के आवास पर मौजूद रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बैरंग जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खाली हाथ लौटना पड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाह रहे थे जो अशोक तंवर है उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया जाए और उनके गुट का जो है कोई ना कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और उनके नेतृत्व में जो है, चाहे हुड्डा की बात की जाए या फिर दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, उनके नेतृत्व में जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती हुई हरियाणा कांग्रेस नजर आए। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी किस तरीके से केंद्रीय आलाकमान इस बैठक पर नजर बनाए रखता है और किस तरीके के निर्णय जो है इस बैठक के बाद निकलकर सामने आते हैं। जी स्पष्ट, बिल्कुल, अगर सियासी मायने निकाले जाए इस बैठक के तो क्या कुछ है इस बैठक के सियासी मायने? देखिए, सियासी मायने इस बैठक के कई सारे निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि 18 अगस्त को रोहतक में एक परिवर्तन रैली का आयोजन जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक खबर निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस को जो है वो अलविदा कह सकते हैं। लगातार केंद्रीय आलाकमान पर दबाव की राजनीति जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की जा रही थी, लेकिन केंद्रीय आलाकमान का जिस तरीके का बिल्कुल स्पष्ट है, ये बैठक कहीं ना कहीं से बेहद अहम होगी, लेकिन क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, हम लगातार उस पूरी खबर पर आपके साथ अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।